खबर अब करेरा से मिल रही है, जहां पुलिस कर्मचारियों पर निलंबन की बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने करेरा थाना में पदस्थ एक एसआई, एएसआई, तीन आरक्षकों को निलंबित किया। दरअसल पुलिस ने 24 नवंबर को पुराने नोट रोकने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जिन लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। बताया जा रहा है कि झूठा मामला बनाकर एफआईआर दर्ज किया गया है। 4 लाख की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसी के आधार पर एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है। तो एसआई, एएसआई समेत तीन आरक्षक पर गाज गिरी है, तीनों को निलंबित कर दिया गया। ये इनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदक द्वारा गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत आवेदन पत्र दिया था, जिसमें प्रथम दृष्टिया आरोप जो लगाए वो सत्य प्रतीत हो रहे थे, तो जांच प्रभावित न, इसलिए उनको निलंबित करके पुलिस लाइन सम्मत किया है।